हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मगराज बिल स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल मगराज में। दोस्तों, व्हाट्सएप पर दो मैसेज आए थे कि सर हमें टैप और ड्रिल की टेबल के बारे में बताइए, आपके पास है तो सेंड कर दीजिए या हमें बताइए वो कहां पर मिल सकती है। तो दोस्तों, टैप और ड्रिल अक्सर हमारे पास में, हमारे हाथ में रहती है, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और जिन लोगों को इस बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अभी तक इस बारे में अनजान है। तो आज के इस वीडियो में हम पता करेंगे कि वो टैप और ड्रिल की टेबल हमें आसानी से कहां पर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यूट्यूब, डेली मोशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं आज वीडियो। दोस्तों, ये हमारा स्टील ड्रिल है जिसको स्केल भी कहते हैं। ये इसमें ये आगे की तरफ इंचेज में ये नाप दिया हुआ है और यहाँ ऊपर एमएम में दिया हुआ है 12 इंची तक, और यहां पर 30 सेंटीमीटर 300 एमएम तक दिया हुआ है। इसको जब पीछे पलट रहे हैं तो यहां पर एक इंचेज में दिया होता है, ये सारा जो नाप है एक इंची में कितने एमएम होते हैं, ये 2 इंची में, 3 इंची में, ऐसे करके 36 इंची तक दिया हुआ है। उसके बाद में ये आधा इंची, 2 सूत, 6 सूत, ऐसे करके ये सारा दिया होता है। और नीचे जाते हैं अपन यहाँ पे, तो हम यहाँ पर देख पाते हैं, ये देखिए, तो हम यहाँ पर देख पाते हैं ये टैप एंड ड्रिल, ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये देखिए टैप एंड ड्रिल। ये जो टैप एंड ड्रिल, यहाँ पर 3 टेबल है, एक तो ये मीट्रिक है, एमएम एम साइज के जो भी टैप है उनका दिया हुआ टेबल। नीचे यहाँ पर WW विटवर्थ है और ये UNF है, UNF और ये विटवर्थ है। एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, दो टेबल नीचे और एक टेबल ऊपर है। तो सबसे पहले यहाँ जो ऊपर दिया हुआ है ये मीट्रिक टेबल है, MM टेबल है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक M1, M1.2, M1.4, M1.7, M2, M2.3, ऐसे करके ये पूरा दिया हुआ है 27 mm तक, ठीक है, ये पूरी टेबल दी हुई है। और उसमें ये अलग अलग दिया हुआ है, जैसे हमें मान लो थ्रेड निकालनी है, 8 mm का टप हमें घुमाना है, चलाना है, 8 mm का टप हमें चलाना है, तो उसमें सुराग कितने का होगा, तो यहाँ पर ये टेबल में दिया हुआ है 6.8 mm, ठीक है, ये mm दिया हुआ है। ये तो टैप का नंबर है और ये ड्रिल नंबर है, ये ड्रिल का साइज है। तो 10 mm का जो टैप है उसमें हमें 8.5 का ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह मान लो हमें ये 20 mm का टैप है, उसमें हमें किस साइज का ड्रिल करें कि हमारा 20 mm का टैप उसमें आराम से घूम जाए, तो उसके लिए 17.5, ठीक है। इसी तरह ये एमएम साइज का दिया हुआ है। फिर ये है विटवर्थ, ये वाला टेबल है विटवर्थ है, ये 1/4 मतलब 2 सूत, 5/16 मतलब 2.5 सूत, 3/8 मतलब 3 सूत, ये सारे सूत में दिए हुए हैं। यहां से ये 2 सूत से लेके 1 इंच तक का दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड साइज है। तो स्टैंडर्ड साइज में ये 2 सूत का जो हमें टप घुमाना है तो उसके लिए हमें ड्रिल करना पड़ेगा 5.1 का, 5.1 का ड्रिल करेंगे तब ये 2 सूत का टप उसमें घूम पाएगा। मान लो हमें यहाँ पर आधा इंची का टप घुमाना है, ये आधा इंची का जो दिया हुआ है 1/2, वो 1/2, 1/2, यहाँ पर हमें आधा इंची का टप घुमाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 10.7 का ड्रिल करना पड़ेगा, 10.7 का ड्रिल करेंगे तब आधा इंची का ड्रिल उसमें, सॉरी आधा इंची का टप उसमें आराम से घूमेगा।
उसी तरह मान लो ये हमें एक इंच का टक घुमाना है तो उसके लिए हमें हॉल करना पड़ेगा 22.4 का, ठीक है। तो ये विटवर्थ की टेबल है और ये यूएनएफ, तो यूएनएफ का हमें मान लो दो सूत का टक घुमाना है तो उसके लिए 2.5 का यूएनएफ का, ये यूएनएफ का हमें दो सूत का टक घुमाना है, 1/4 का टक घुमाना है तो उसके लिए हमें डील करना पड़ेगा 5.2 का, ठीक है, 5.2 का डील करना पड़ेगा। और मान लो हमें यहाँ पांच सूत का टक चलाना है तो उसके लिए हमें डील करना पड़ेगा 13.6 का, और इसमें हमें यूएनएफ में एक इंची का अगर टक चलाना है तो उसके लिए हमें जो सुराख करना पड़ेगा, हॉल करना पड़ेगा, ड्रिल चलाना पड़ेगा वो है 22.3 का। तो ये तीन टेबल हमारे स्केल पर ऑलरेडी मौजूद है, हमें वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये तीन टेबल है, मीट्रिक टेबल जो एमएम में जो टप आते हैं एम साइज के, उसका ये पूरा टेबल है। ये विटवर्थ बीएसडब्ल्यू के जो टप आते हैं विटवर्थ के, ये उसकी पूरी टेबल दी हुई है, दो सूत से लगाकर 1 इंच तक की, और ये पीछे एमएम साइज में ड्रिल दिए हुए हैं, इन चूड़ियों में कितने का ड्रिल होगा वो भी दिया हुआ है इसमें। फिर यूएनएफ, यूएनएफ के जो स्टैंडर्ड साइज के जो टप आते हैं उसमें किस टप में कितने का ड्रिल चलेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तीन चीजें हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सामने ऑलरेडी हमारे पास रहती है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।